Hello everyone, welcome to Biophilic Bhavnapuri. So today we will talk about chapter number 16, that is environmental issues. So first question is, acid rain is caused by increase in the atmospheric content or concentration of. भाई acid rain कब होती है? कौन से substance के increase होने पर? Basically जब sulfur dioxide और nitrogen dioxide increase हो जाती है, तो उसी के result में acid rain होती है. So the correct option would be C. Next question क्या है? Eutrophication. सबसे पहले मैं आपको बता दूँ eutrophication क्या है. जब भी nutrients की enrichment हो जाती है किसी भी lake में या फिर water bodies में, तो क्या होगा? धीरे धीरे उसके अंदर जो lake है उसकी aging होती रहती है. Aging of lake. Specifically natural aging of lake उसको कहते हैं eutrophication. और जब इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज हो जाते हैं तो जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी और जो फिशेज हैं उनकी डेथ हो सकती है. ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो यूट्रोफिकेशन होती है वाटर बॉडीज में उससे फिशेज की डेथ हो जाती है, तो ये किसकी कमी से होता है? सो द करेक्ट आंसर वुड बी बी, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी से. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, The UN Conference of Parties on Climate Change in the year 2012 was held. तो जो सन 2012 में UN Conference हुई थी क्लाइमेट चेंज के ऊपर, वो कहाँ हुई थी? वो डोहा में हुई थी. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट फेवरेबल इंडिकेटर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन इन द एनवायरमेंट. हमारे एनवायरनमेंट में जब सल्फर का कंटेंट ज्यादा हो जाता है तो उसको कौन इंडिकेट करेगा? लाइकन इंडिकेट करते हैं. ठीक है, दीज आर द गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल. जब भी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर जो कंसेंट्रेशन होता है टॉक्सिक का वो इंक्रीज करेगा, तो इस फेनोमेना को हम क्या बोलेंगे? बायोमैग्निफिकेशन. ठीक है, तो आप इसमें डीडीटी और मर्क्यूरी का एग्जांपल ले सकते हैं. वाटर बॉडीज में क्या होता है, एक लेवल से दूसरे लेवल पर डीडीटी का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता रहता है, जिस वजह से जो फिश ईटिंग बर्ड्स होते हैं, क्योंकि जितना हाइयर लेवल होगा उतना ही ज़्यादा डीडीटी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो जो फिश ईटिंग बर्ड्स होते हैं जो टॉप मोस्ट लेवल पर आते हैं उनके अंदर डीडीटी का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, जिस वजह से कैल्शियम का जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और उन बर्ड्स के अंदर जो उनके बच्चों के मतलब जो उनके एग्स के शेल होते हैं वो वीक हो जाते हैं, जिस वजह से प्री मेच्योर डेथ भी हो सकती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द UN कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन क्लाइमेट चेंज इन 2011 ईयर आपको याद रखना है, जब 2011 में हुई थी तो साउथ अफ्रीका में हुई थी, लेकिन जब 2012 में हुई थी तो डोहा में हुई थी. ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्राइम हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद ग्रेटर यूवी रेडिएशन थ्रू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन. भाई इनमें से कौन सा अफेक्ट नहीं होगा अगर ओजोन डिप्लीशन हो जाए? डैमेज टू आईज, इंक्रीज्ड लिवर कैंसर, इंक्रीज्ड स्किन कैंसर, रिड्यूस्ड इम्यून सिस्टम. तो देखिए जो ऑप्शन बी है यानी कि इंक्रीज्ड लिवर कैंसर, ठीक है, वो प्राइम हेल्थ रिस्क नहीं है. बाकी सभी प्राइम हेल्थ रिस्क होंगे अगर ओजोन डिप्लीशन होती रहेगी, अगर यूवी रेडिएशन बहुत ज़्यादा आती रहेंगी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई वैल्यू ऑफ बी ओ डी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इंडिकेट्स दैट वाटर इज लेस पॉल्यूटेड. नो, ये बताता है कि वाटर हाईली पॉल्यूटेड है. ठीक है, या फिर कंजप्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर इज हाईली बाय माइक्रोब्स, एब्सोल्युटली राइट. लेकिन यहाँ पर बी और डी दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है. यहाँ पर देखिए, जब भी माइक्रोब्स कंज्यूम करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को तो जो बी ओ डी है वो इंडिकेट किया जाता है, और बीओडी से ये भी पता चलता है कि पानी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है. यही रीज़न है कि माइक्रोब्स बहुत जल्दी जल्दी ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर रहे हैं. तो उसका मतलब है इसका आंसर बी और डी दोनों हो सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेकेल कार्सन्स फेमस बुक साइलेंट स्प्रिंग इज रिलेटेड टू.
जो ये बुक है साइलेंट स्प्रिंग, वो किस चीज़ से रिलेटेड है? बेसिकली वो पेस्टिसाइड पोल्यूशन से रिलेटेड है। पेस्टिसाइड्स क्या होंगे? पेस्ट को किल करने के लिए जिन सब जिन केमिकल्स का यूज किया जाता है वो पेस्टिसाइड्स होते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। अ लोकेशन विद लग्जुरियंट ग्रोथ ऑफ लाइकन ऑन द ट्री इंडिकेट्स, भाई अगर जो लाइकन है उनकी जो ग्रोथ है उसको इंडिकेट किया जा रहा है तो उससे क्या पता चलेगा कि भाई उनकी ग्रोथ इतनी ज्यादा क्यों हो रही है? ऑब्वियसली क्योंकि वो एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा क्लीन है, वहां पर कोई भी पॉल्यूशन नहीं है। तो मैंने बोला था कि लाइकन पॉल्यूशन, गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होती है, कभी भी गंदे एरिया में ग्रो नहीं करेगी। इसका मतलब लोकेशन इज नॉट पॉल्यूटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द जोन ऑफ एटमोसफेयर एट विच या इन विच द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इज कॉल्ड, कहाँ प्रेजेंट होती है ओजोन लेयर? स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन है, अ स्क्रबर इन द एग्जॉस्ट ऑफ अ केमिकल इंडस्ट्रियल प्लांट रिमूव्स, जो स्क्रबर है वो किस चीज को रिमूव करेगी? गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर ऑफ साइज 5 माइक्रोमीटर, गैसेस लाइक ओजोन एंड मिथेन, पार्टिकुलेट मैटर ऑफ 2.5 माइक्रोमीटर। लेकिन ये जो माइक्रोमीटर यहाँ साइज दिया हुआ है इनको रिमूव नहीं कर सकते स्क्रबर, तो वो सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसेस को ही रिमूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्या गिवन है? क्योटो प्रोटोकॉल वॉज एंडोर्स्ड एट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसको कहाँ एंडोर्स किया गया था? COP3, COP3, सो इसका ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग कैन बी कंट्रोल्ड बाय, भाई ग्लोबल वार्मिंग को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटकर? नो। इंक्रीजिंग डिफॉरेस्टेशन, फिर से वही हो गया, नो। रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन, जी बिल्कुल, कटिंग डाउन द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, यस। जब हम पेड़ों को कम काटेंगे, फॉसिल फ्यूल्स को कम यूज करेंगे, तो हार्मफुल गैसेस भी कम निकलेंगी, CO2 का रिलीज भी कम होगा, और उस वजह से ही क्या होगा भाई, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन, ये कब इंप्लीमेंट किया गया था? 1981 में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द सेकेंड कमिटमेंट पीरियड फॉर क्योटो प्रोटोकॉल वॉज डिसाइडेड एट, कहाँ पर हुआ था? डोहा में। इसका आंसर भी क्या होगा? डोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड इज थ्रेटेंड बाय, भाई हमारे वर्ल्ड का जो क्लाइमेट है वो किस चीज से थ्रेटेंड किया गया है? डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन, इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ CO2, डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एटमोस्फेरिक CO2, इंक्रीजिंग कंसेंट्रेशन ऑफ एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन। बेसिकली जो वर्ल्ड का क्लाइमेट है वो CO2 के लेवल के इंक्रीज होने की वजह से डिस्टर्ब हो चुका है, तो ऑप्शन बी यानी कि इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एटमोस्फेरिक CO2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पार्टिकुलेट मैटर ऑफ द साइज 2.5 माइक्रोमीटर और लेस, है ना? इनमें से कौन सी बात करेक्ट नहीं है? इट कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सही बात है। इट कैन डायरेक्टली एंटर इनटू आवर सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या ये पार्टिकुलेट मैटर हमारे ब्लड वेसल्स में सर्कुलेटरी सिस्टम में चले जाएंगे डायरेक्ट? नो। तो ये ऑप्शन यहाँ पर होगा विच इज नॉट करेक्ट। ठीक है, आगे देखिए, इन एन एरिया वेयर DDT हैड बीन यूज एक्सटेंसिवली द पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली बिकॉज, भाई एक ऐसा एरिया जहाँ पर DDT का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है तो वहाँ पर जो बर्ड्स की पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है, ऐसा क्यों? बर्ड्स स्टॉप लेइंग है, उन्होंने अंडे देने बंद कर दिए? नो। अर्थ फॉर्म इन द एरिया गॉट इरेडिकेटेड, सारे अर्थ फॉर्म्स चले गए? नो। कोबराज वर फीडिंग एक्सक्लूसिवली ऑन बर्ड्स, क्या DDT की वजह से कोबरा बहुत ज़्यादा बर्ड्स को खाएंगे? उससे तो कोई रिलेशन नहीं है। या फिर मैनी ऑफ द बर्ड्स एग लेट डिड नॉट हैच, तो मैंने बोला था प्री मैच्योर डेथ हो जाती है DDT के ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि DDT कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देता है। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट,
अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट हैव बीन लॉस्ट इन ट्रॉपिकल एरियाज, ठीक है। ओजोन इन द अपर पार्ट ऑफ एटमोसफेयर इज हार्मफुल टू एनिमल्स, क्या अपर पार्ट वाली जो ओजोन है वो हार्मफुल होती है? नो, ठीक है। सो अपर पार्ट वाली तो रोकती है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। आगे देखिए, मेजरिंग BOD यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज अ मेथड यूज्ड फॉर, किस चीज के लिए यूज किया जाता है इस मेथड को? एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज वाटर। बिल्कुल सही, यही स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है भाई। कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है सीवेज के पानी में, है ना, इसको एस्टिमेट करने के लिए बीओडी को मेजर किया जाता है। आगे देखिए, यूट्रोफिकेशन इज ऑफन सीन इन डेजर्ट्स, फ्रेश वाटर लेक्स, ओशन या माउंटेन्स। मैंने आपको बताया था कि यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है नेचुरल एजिंग ऑफ लेक्स, तो यानी कि फ्रेश वाटर लेक में इसको ऑब्जर्व किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेस आर द मेजर कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, इनमें से कौन सी मेजर कॉज होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट की? CO2 एंड O3, CO2 एंड CO, CFC एंड SO2, CO2 एंड N2O। सो ऑप्शन डी इज एब्सोल्यूटली राइट, यानी कि CO2 और N2O ये दोनों ही ऐसी गैसेस हैं जो लार्ज अमाउंट में हीट को ट्रैप कर लेती हैं, जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन केस ऑफ भोपाल ट्रेजेडी, जो भोपाल ट्रेजेडी हुई थी उसके बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? पहला है, मिथाइल आइसोनेट गैस लीकेज टुक प्लेस। बिल्कुल सही, मिथाइल आइसोनेट गैस ही लीक हुई थी, ठीक है, जिस वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुई, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हुआ और वहाँ के लोग अभी भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रहते हैं। फिर थाउजेंड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स डाइड, एब्सोल्यूटली राइट। रेडियो एक्टिव फॉल आउट एनगल्फ भोपाल, कि रेडियो एक्टिव कुछ निकला था सब्सटेंसेस, जिस वजह से उसने अपने पूरी चपेट में ले लिया भोपाल को, क्या ऐसा कुछ था? नो, दैट वॉज द मिथाइल आइसोनेट, ना कि रेडियो एक्टिव फॉल। तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट है ना, ये तो पूछा इनकरेक्ट कौन सा है, तो ऑप्शन सी, क्योंकि देखिए डी में आपको ये बता रखा है कब हुआ था, ये दिसंबर की बात है, 23, 1984, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सपेंडेड फॉर्म, दिस इज 2/3 नॉट 23, दिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द एक्रोनिम, आपको यहाँ पर दे रखी है क्या शॉर्ट फॉर्म, आपको उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बतानी है, ठीक है। तो कौन कौन सी है, IPCC के लिए इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, UNEP के लिए यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल पॉलिसी, EPA के लिए एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एजेंसी, IUCN के लिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। जी फोर्थ वन इज एब्सोल्यूटली राइट, IUCN की यही एक्सपेंडेड फॉर्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड ओजोन इज फाउंड इन, कहाँ मिलती है गुड ओजोन? स्ट्रेटोस्फीयर। मैंने बोला था कि अपर स्फीयर वाली जो होती है वो गुड ओजोन होती है, सो दिस इज द राइट आंसर। आगे देखिए, अ रिन्यूएबल एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स इज, रिन्यूएबल पूछा है और एग्जॉस्टिबल पूछा है, कौन सा होगा, कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स या फॉरेस्ट? तो फॉरेस्ट ही करेक्ट आंसर होगा उसका, क्योंकि वो रिन्यूएबल है, ठीक है, और नेचुरल रिसोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DB, स्मॉल में D है और कैपिटल में B, ये एक स्टैंडर्ड एब्रिवेशन है, ये किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है? तो मैं आपको बता दूँ कि ये डेसिबल है, जो कि साउंड को मेजर करने के लिए, साउंड वेव्स को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। तो पॉल्यूशन जो है हमारे एटमोसफेयर में, उसके बारे में हम इससे पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या हैं, द डेंसिटी ऑफ बैक्टीरिया इन अ मीडियम, अ पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट, द डोमिनेंट बैसिलस इन अ कल्चर, अ सर्टेन पेस्टिसाइड। सो द करेक्ट आंसर वुड बी बी, अ पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन फिर से आ गया, इनमें से कौन सी गैसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, हाईएस्ट रिलेटिव कंट्रीब्यूशन टू द ग्रीन हाउस गैसेस, है ना। तो देखिए अगेन इसमें हम CO2 और N2O की बात करेंगे, लेकिन इस जगह मिथेन भी गिवन है, जबकि लास्ट टाइम मिथेन ऑप्शन में गिवन नहीं था। तो अगर मिथेन और CO2 एक साथ आते हैं, सो आप इसको प्रेफर करोगे CO2 एंड मिथेन को,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डोमेस्टिक सीवेज मिक्सेस विद द रिवर वाटर, भाई क्या होगा जब घरों से निकलने वाला, सभी के घर से निकलने वाला जो वेस्ट है, जो सीवेज है, वो रिवर वाटर के साथ जुड़ेगा। स्मॉल एनिमल्स लाइक रैट विल डाई आफ्टर ड्रिंकिंग रिवर वाटर, क्या चूहों की डेथ हो जाएगी, या फिर इंक्रीज्ड माइक्रोबियल एक्टिविटी रिलीजेस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सच एज आयरन, क्या बैक्टीरिया या अदर माइक्रोब्स की एक्टिविटी से आयरन रिलीज होगा, या फिर एन इंक्रीज माइक्रोबियल एक्टिविटी यूजेस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, या फिर माइक्रोब्स की एक्टिविटी की वजह से डिजॉल्व ऑक्सीजन यूज हो जाएगा। यस, ऐसा क्यों, क्योंकि बीओडी इंक्रीज हो जाती है और ये जो माइक्रोब्स हैं वो सारे डिजॉल्व ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ग्लोबल अग्रीमेंट इन स्पेसिफिक कंट्रोल स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस द रिलीज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस वॉज अडेप्टेड बाय, देखिए जब भी ओजोन डिप्लीशन की बात होती है तो आप याद रखेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल चला था 1980s के, है ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि बीओडी इन अ रिवर वाटर, अब ऑप्शंस क्या है, हैज नो रिलेशनशिप विद कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, गिव्स अ मेजर ऑफ सैल्मोनेला इन वाटर, इंक्रीजेस व्हेन सीवेज गेट्स मिक्स विद रिवर वाटर, रिमेन्स अनचेंज वेन एल्गल ब्लूम अकर्स। तो क्या होगा भाई, हमसे ये पूछा है कि जो बीओडी है वाटर में, रिवर वाटर में क्या हो जाता है, हमेशा याद रखिए बीओडी इंक्रीज हो जाएगा जब सीवेज रिवर वाटर के साथ मिक्स होता है, तो बैक्टीरियल की जो डिमांड होती है ऑक्सीजन के लिए वो बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन इंक्लूड, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि इंडिया की गवर्नमेंट ने लिया था, देखिए कंपलसरी पीयूसी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेशन ऑफ पेट्रोल ड्रिवन व्हीकल्स विच टेस्ट फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन, दिस इज द राइट ऑप्शन। पीयूसी को गवर्नमेंट ने क्या करवा दिया था, इंप्लीमेंट करवा दिया था, ठीक है, तो वही करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एम्स एट, भाई जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो किस चीज के लिए चलाया गया था, यहाँ पर है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन, कंट्रोल ऑफ CO2 एमिशन, या फिर रिडक्शन ऑफ ओजोन डिप्लीशन। यस, अभी हमने पहले भी पढ़ा था ओजोन की डिप्लीशन के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल चलाया गया था। आगे देखिए, DDT रिड्यूसेस आर या रेसिड्यूज आर रैपिडली पास्ड थ्रू फूड चेन कॉजिंग बायो मैग्निफिकेशन बिकॉज DDT इज, भाई क्या होगा DDT में, ऐसा क्यों है कि उसका लेवल इंक्रीज होता जा रहा है, वो मॉडरेटली टॉक्सिक है, नॉन टॉक्सिक टू एक्वेटिक एनिमल्स, वाटर सॉल्युबल होगा या लिपोसॉल्युबल होगा, सो करेक्ट ऑप्शन है डी, वो लिपोसॉल्युबल होता है, अगर वाटर में डिसॉल्व हो जाता तो फिर इतने ज्यादा पास ऑन नहीं होता अगले लेवल पर, ठीक है, सो इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, लिपोसॉल्युबल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिपको मूवमेंट वॉज लॉन्च फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ, जो चिपको मूवमेंट थी वो किसके प्रोटेक्शन के लिए चलाई गई थी, फॉरेस्ट के लिए, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, अ लेक नियर अ विलेज सफर्ड हैवी मोर्टैलिटी ऑफ फिशेस विद इन अ फ्यू डेज, कंसीडर द फॉलोइंग रीजन फॉर दिस, भैया पिछले कुछ दिनों में फिशेस का डेथ रेट बहुत इंक्रीज हो गया, तो क्या रीजन हो सकता है इसके लिए, देखिए लॉट्स ऑफ यूरिया एंड फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स वर यूज इन द क्रॉप्स, बिल्कुल, द एरिया वॉज स्प्रेड विद DDT बाय एन एयरक्राफ्ट, द लेक वाटर टर्न ग्रीन एंड स्टिंकी, फाइटोप्लैंक्टन पॉपुलेशन इन द लेक डिक्लाइंड इनिशियली देयर बाय ग्रेटली रिड्यूसिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस से फिश मोर्टैलिटी का मतलब नहीं है, हाँ अगर बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है नंबर का फाइटोप्लैंक्टन की तो वो एक फैक्टर हो सकता था, बट यहाँ पर उन्होंने अलग ही रीजन दिया हुआ है, और जो लेक वाटर है वो ग्रीन हो या स्टिंकी हो उससे मैटर नहीं करेगा, इसलिए जो दो ऑप्शंस करेक्ट है वो है ए एंड बी, क्योंकि जब न्यूट्रिएंट्स का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो भी यूट्रोफिकेशन होती है और फिशेस की डेथ हो जाती है, और जब DDT का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो बायोमैग्निफिकेशन होगी, इसका मतलब है जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उनका भी क्या हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो ए और बी दोनों ही करेक्ट हो सकते हैं, सो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट देखिए, According to Central Pollution Control Bureau, which particulate size in diameter, वो भी in micrometer,
ऑफ द एयर पॉल्यूटेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेटेस्ट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ। तो जो करेक्ट आंसर आपको गिवन है वो ये है 2.5 माइक्रोमीटर या फिर उससे कम, क्योंकि 2.5 माइक्रोमीटर या उससे जो छोटे पार्टिकुलेट होते हैं वो डायरेक्टली हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट परसेंटेज ऑफ द टू आउट ऑफ द फोर ग्रीन हाउस गैसेस दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू द टोटल ग्लोबल वार्मिंग। क्या करेक्ट परसेंटेज होगी ग्रीन हाउस गैसेस की? देखिए, N2O 6%, CO2 86%, मीथेन 20, N2O 18, CFC 14, मीथेन 20 या CO2 40 और CFC 30। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, मीथेन 20% और CFC 14% होती है जो कि कंट्रीब्यूट करेगी टोटल ग्लोबल वार्मिंग में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग BOD ऑफ सीवेज यानी कि S, डिस्टिलरी इफ्लुएंट यानी कि DE, पेपर मिल इफ्लुएंट यानी कि PE एंड शुगर मिल इफ्लुएंट यानी कि SE हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होगा कि सबसे कम BOD पहले आएगा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन बी गिवन है जिस पर ऑलरेडी टिक भी लगा हुआ है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो पेपर मिल होती है उसके अंदर बहुत ही कम ऐसे माइक्रोबियल ग्रोथ होगी जो कि BOD को यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद जो है आपका सीवेज होता है, देन SE यानी कि शुगर मिल बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में माइक्रोब्स बढ़ते रहेंगे, साथ ही साथ जो डिस्टिलरी इफ्लुएंट है उसमें तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या होगा माइक्रोब्स, तो यानी कि BOD उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो ये हमने लगभग 40 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं चैप्टर नंबर 16 के। विद दिस वी कंप्लीट द इकोलॉजी। आई होप आपने अपना सारा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास जो समय बचा है हमें उसको रिवीजन में लगाना है, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सकती है उतनी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।